हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावीज रेसिपीज। जैसे कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी में बापा को मोदक का भोग तो बनता ही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली सूजी के मोदक की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। यहाँ मैंने एक कप सूजी लिया है, ये मेजर करके लिया है एक कप सूजी। सूजी बारीक वाली या मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। अब पैन में एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें सूजी डाल देंगे और इस सूजी को हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा सूजी का कच्चापन जो रॉ टेस्ट है वो निकल जाए, उतना काफ़ी है। तो देखिए ये सूजी इस तरह की हो गई है, ये भुन गई है। इसका गैस बंद करेंगे और ठंडा होने देंगे इसे। देखिए सूजी ठंडी हो गई है, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया है, एक कप सूजी उसका आधा आधा कप चीनी, इसे डालकर मिक्सर के जार में इसका अच्छा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। अब सेम पैन में मैं ये पिसा हुआ सूजी और चीनी डाल रही हूँ और याद रखें यहाँ पर गैस बंद है, मैंने गैस ऑन नहीं किया है। इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक कप दूध लिया है जिसमें से आधा दूध इसमें डालना है, आधा दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसका गैस ऑन करेंगे। पहले हमने गैस इसीलिए बंद रखा था क्योंकि चीनी पीसी हुई है, पाउडर फॉर्म में बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है और इसमें लम्स क्रिएट हो जाएंगे, इसीलिए बंद रखा था। तो देखिए ये इस तरह गाढ़ा हो गया है। अब हम दो कलर का मोदक बनाएंगे, एक येलो और एक ग्रीन। तो देखिए आधा मोदक का ये जो बैटर है, ये पेस्ट मैंने साइड कर लिया है, इसे निकाल लेंगे आधा। तो यहाँ पर मैंने ये केसर के 10-12 स्ट्रैंड्स 1 घंटे के लगभग मैंने भिगो के रख दिया था, तो ये डालेंगे। केसर का अच्छी तरह से कलर आ गया तो हमें इसमें फूड कलर की जरूरत नहीं है। केसर ना हो तो आप येलो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। और याद रखिए इस पेस्ट को हमें एकदम डो की कंसिस्टेंसी में लाना है, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। सूजी धीरे धीरे दूध सोखता जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बैटर हमें अच्छा खासा डो जैसा मिल जाएगा। देखिए इस तरह का ये रेडी है, उसे साइड में रख दिया मैंने। अब ये जो बचा आधा हमने निकाला था ये ले लेंगे, इसमें भी अब थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इस स्टेज पर अब इसमें ऐड करेंगे ये हरा कलर है, ग्रीन कलर, जिसे मैंने दूध में मिक्स करके डाइल्यूट कर लिया है। तो देखिए ये कलर डालकर इसे भी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। आप इसमें दूध डालिए थोड़ा ही, मुझे टोटली ना 1 कप दूध लगा है इसमें, टोटल 1 कप, जिससे दोनों कलर के बैटर मतलब डो रेडी हो गए हैं। तो देखिए अब ये डो ठंडा हो गया है, इसे एक प्लेट में डाल के ना एक अच्छा सा मिक्स मतलब थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इससे मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा घी लगा सकते हैं आप हाथ में, और घी लगा कर देखिए इस तरह का ये डो हो गया है। दोनों कलर के डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये मोदक बहुत फटाफट लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये ग्रीन कलर का भी ये डो रेडी हो गया है हमारा, अब इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम और पिस्ता कटे हुए, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने मोदक का मोल्ड लिया है, इसमें एक बार में 3 मोदक बनते हैं। तो इस मोल्ड को पहले घी लगा लेंगे, घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोदक आसानी से बाहर आ जाए। इसमें देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर मैं यहाँ पर एक येलो कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक मिक्स, आधा येलो और आधा ग्रीन, ऐसे 3 तरह से आपको दिखा रही हूँ बनाकर। ये मोदक बनाना इतना इजी है ना कि आप ये डो रेडी करके बच्चों को दे देंगे तो बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है और फटाफट बन जाता है। तो देखिए इसके सेंटर में से ड्राई फ्रूट्स भर लेंगे दोनों साइड से, इसे देखिए इस तरह से बनाकर।
यहाँ देखिए येलो और ग्रीन का हो गया। अब यहाँ पर देखिए आधे पार्ट में मैंने ग्रीन कलर का भरा है, इसमें ड्राई फ्रूट्स रख लेंगे और आधे पार्ट में मैं येलो डालूंगी। देखिए इस तरह से अब ये हो गया है, इसे बंद करेंगे और अच्छे से प्रेस कर देना है और ऊपर के हिस्से का जो है वो पैक कर देंगे। तो देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। ये मोदक दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, टेस्ट में ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से बिल्कुल 10 से 15 मिनटों में बनाकर ये मोदक आप भी अपने घर में पापा को भोग लगाइए इसका। तो इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ मैं अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें आधा आधा, हर एक पार्ट में आधा आधा ऐसे कलर के मोदक रखे हैं। तो ये देखिए ये मोदक कैसा बना है, बिल्कुल मीन्स यू नो चार पार्ट में ऐसे अलग अलग कलर के। आप भी ये दोनों कलर के साथ क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। ये देखिए तो बनकर सारे मोदक बिल्कुल तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके अपने घर पे बापा को मोदक का भोग लगाइएगा। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में।